या वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड के लिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड में भी क्या है इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट, और क्या मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है इस टाइम, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, वो सेफ रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज इस पर बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है वो आपके लिए यूनिक कंपनी सेलेक्ट करे, कुछ अच्छी कंपनी जिसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देकर जाए। बेस्ट वे क्या होता है? बेस्ट वे होता है इसका SIP, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करा प्लान। आपको जो करनी चाहिए मिनिमम 500 रुपीज़ से ये स्टार्ट हो जाता है। SIP आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देकर जाएगा, ठीक है, लॉस बहुत कम होता है। दूसरा ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है ना जो सिंपल है। इसके लिए आपको कोई एजुकेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप चाहिए सिंपल अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और एक SIP पंच कर दीजिए, आपके मंथली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने लगेंगे, ठीक है। आप SIP करते समय बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका बहुत स्ट्रांगली आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आ जाते हैं हम उस पर, कौन से ऐसे प्लान हो सकते हैं। पहले हम आते हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड देख लेते हैं इंडिया में कौन से हैं। ये सब लिस्ट आ गई है यहाँ पे, आप जाएंगे अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे आप देखिएगा। तो 3 साल का रिटर्न निकालिएगा, CAGR किसका स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अब देखिए म्यूचुअल फंड में मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है और लार्ज कैप होता है, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको SIP स्टार्ट करने के बाद और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 आपको ऐसी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं, बहुत माइंड मेकअप करना पड़ेगा। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं हम उस पर आ जाते हैं। 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट्स आपका आता है निकल कर, डोंट स्टॉप योर SIP व्हेन मार्केट इज फेलिंग। सिंपल, मार्केट ऊपर से गिर रहा है, आप कभी अपनी SIP मत रोको। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है मार्केट फेलिंग पे। जब मार्केट गिरती है तो आपकी बाइंग एवरेज बाइंग हर महीने होती चली जाती हुई। SIP का एडवांटेज यही है। ये आपको छोटा अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि आपने 5-10 लाख रुपये एक बार में इन्वेस्ट कर दिए तो वहाँ दिक्कत देता है। आपने SIP की हुई है, आपके 10,000 रुपये महीना जा रहे हैं। मार्केट फॉर एग्जाम्पल 18,000 निफ्टी आज है, अगले महीने 16,000 आ जाता तो आपकी बाइंग एवरेज 17,000 की आ जाएगी। तो उसको मार्केट गिनने पे कभी स्टॉप मत करो और कोशिश करो बढ़ाओ। दूसरा पॉइंट आता है इफ़ अर्निंग मोर डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ SIP। अगर आप पैसा ज़्यादा बनाना चाहते हैं SIP में, सपोज कीजिए आज मेरी सैलरी 25,000 रुपये है, मेरे 1 साल के बाद मेरी सैलरी 30,000 हो जाती है, तो उस 10,000 में से अगर मैं 2-3 हज़ार रुपये सेव करना चाहता हूँ तो वो मुझे SIP का अमाउंट बढ़ाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में SIP छोटा छोटा अमाउंट इतना बड़ा बन जाता है कि एक टाइम पर हमें लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लोगों को आइडिया नहीं है, FDs करते हैं लोग, लेकिन FD से ज़्यादा इसको इसमें रिटर्न मिलता है। मिनिमम 12-15% का रिटर्न कहीं नहीं गया। तो कभी भी ये ना, अगर आपके पास फंड आए तो इंक्रीज़ कीजिए उसको। और थर्ड आता है डोंट चेंज स्कीम ऑफ हाईएस्ट रिटर्न। आपको है ना ऐसा नहीं करना है कि आपने म्यूचुअल फंड देखे और उसमें देखा हाईएस्ट रिटर्न किस में आ रहा है, उसमें थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अब हाईएस्ट रिटर्न उसमें 45% आ गया आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, ऐसा नहीं है। आप स्मॉल कैप में लगाइए कुछ फंड, कुछ मिड कैप में लगाइए, वो अपनी रिसर्च आप देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए तो उसके थ्रू आप जाइए। ऐसे मत देखिए आपके यार HDFC लार्ज कैप ने मेरे को इतना यहाँ प्रॉफिट दिया तो मैं ही इन्वेस्ट कर दूँ, और हाईएस्ट रैनी भी चल रही है उसकी। तो सेफ तो है ये इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न भी इसमें अच्छा मिलता है और लॉन्ग टर्म में सेविंग भी हो जाती है। क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, मार्केट हो इंसान जाना ऊपर ही है, अगर मार्केट गिरेगी भी ना तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जानी है। इंडिया इतनी ग्रोथ कर रहा है ना आने वाले टाइम में, टॉप मुझे लगता है वर्ल्ड में टॉप ग्रोइंग ही हुआ है इकोनॉमी, तो लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो दोस्तों यही मेरा आपके लिए एडवाइस थी, मैं म्यूचुअल फंड पर वीडियो बनाना चाह रहा था। कुछ आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। SIP बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट के लिए, सेफ है बिल्कुल, और छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, बाकी सब चलता रहता है, ठीक है। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ये 3 पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखना। तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। उसके लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।